हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत यूनिक सा टॉपिक लाया हूँ और यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा। बहुत कम टॉपिक्स और बहुत कम वीडियो ऐसी बनी है इसके ऊपर, और लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं, जैसे कि कोई और चीज़ दिखा दी और कोई और चीज़ के बारे में बात कर ली, तो ऐसे कुछ बातें करते हैं। तो ये मेरी शायद ये थर्ड या फोर्थ वीडियो ही होगी इस टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले देखिए, मैं आपको मेरे थोड़े से शॉपिंग दिखा रहा हूँ। मैं अपने थोड़े से अपने कराइजन थे, मैं मतलब गुलदाउदी के पौधे लाया था। ये सारे 20-20 रुपए के प्लांट हैं, और ये देखिए मेरे से एक टूट भी गई है, सो मैं इसको प्रोपेगेट कर दूँगा बस। सो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये देखिए, ये है मेरा मैजिकल डिब्बा और इसमें मैंने वो जादुई चीज़ डाल रखी है। सो गाइज़, ये देखिए, आपको दिख रहा है, ये है वो मैजिकल चीज़ जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। मतलब बरसों से मेरी विश थी कि मेरे पास ये वाला प्लांट हो। सो गाइज़, आप देख कर ही अंदाज़ा लगा लीजिए ये कौन सा प्लांट है। जी हाँ, बिल्कुल, ये प्लांट है वाटर लिली का। और वाटर लिली मतलब मैंने ये हार्वेस्ट किया है अपने जो पास में एक तालाब है, वो पूरा कुछ अभी सूख गया है, तो मैंने वहीं से इसको हार्वेस्ट किया था। मतलब मैंने वहाँ जाकर बस इसको ले आया था, अपनी डॉगी को मैं वहाँ घुमाने ले जाता हूँ, तो वहाँ से मैं बस इसके रूट्स और इसके जो सीड्स होते हैं ना, वो उसको मैंने कलेक्ट किया है। सो मैं आपको ये आज दिखाऊंगा। तो ये देखिए गाइस, ये है इसके रूट्स और इसको जो बल्ब्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको जो कुछ भी बोलते हैं, बट जो कुछ भी है इसके बल्ब्स व्हाटएवर, तो ये इसके बल्ब्स है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज तो नहीं है, बिल्कुल मैं अभी न्यू हूँ इसके बारे में, और आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसके बारे में देख रहा हूँ। सारा कुछ मुझे न्यू दिखा और मैंने देखा और एकदम से मैंने पहचान लिया कि ये वाला प्लांट है वाटर लिली का प्लांट है। सो ये वाइट वाला लिली का प्लांट है। सो ये देखिए गाइस, इसका सीड पॉट है, मतलब इसमें इसके सीड होते हैं, जैसे इसमें फ्लावर बनता है और उसके बाद में जैसे हमारे फ्रूट्स बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसमें उसमें फ्रूट बनता है, उसमें सीड्स बनते हैं, और इसी तरह से ये प्रोपोगेट करता है, और साथ में इसके जो रूट्स होते हैं ना, उससे भी ये प्रोपोगेट कर जाता है। और ये देखिए, उसमें और भी सीड स्पॉट बने थे, तो मैं वो भी कलेक्ट करके लाया हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। तो गाइज़, ये देखिए, ये उसका फ्लावर का नीचे का स्टॉक है और ऊपर ये लीफ, मतलब ये फ्लावर, उसके बाद में इसमें से सीड्स बने हैं। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हार्डी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया ये, क्योंकि सूख गया ना, काफ़ी टाइम हो गया हमारे, और मैंने अभी जस्ट देखा था उसको और अभी मैं हार्वेस्ट करके लाया हूँ। सो ये देखिए, इसमें छोटे छोटे से जो आपको देख रहे हैं ना, ये इसके सीड्स हैं। वैसे इसके सीड ज़्यादा अच्छे नहीं है, वो पहले वाले के ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये थोड़े से ब्लैक हो गया, पर कोई बात नहीं, ये इसमें इसके सीड्स वैसे भी प्रोपोगेट हो जाते हैं। और ये देखिए, इसके छोटे छोटे राई के दाने जैसे आपको दिख रहे हैं, ये इसके सीड्स होते हैं, और ये बहुत ईजीली प्रोपोगेट भी हो जाता है। और प्रोपोगेशन के ऊपर मैं अलग से ही वीडियो बनाने वाला हूँ, बस आपको शो कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इसके सीड्स और इसके रूट्स कैसे होते हैं। और ये देखिए, एक और इसका इस फ्लावर है, पर ये मुझे नहीं लगता इसमें सीड्स होंगे, क्योंकि ये अच्छे से पका नहीं है, मतलब अच्छे से इसमें सीड्स बने नहीं हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें सीड बने कि नहीं बने, पर ये टूट नहीं रहा मुझसे, तो शायद ये नहीं टूटेगा। और बस गाइज, देखिए ऐसे इसके छोटे छोटे से सीड्स होते हैं। देखिए, इसका फ्लावर है, ये वाइट वाला मेरे पास लिली का प्लांट है, इसको आप लोटस भी बोल सकते हो। लोटस बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल लोटस नहीं है, बट हम कॉमन इसको लोटस बोल देते हैं, बट लोटस ये बिल्कुल भी नहीं है। और यूट्यूब पे सब लोग फेक बोल देते हैं कि लोटस है, लोटस के सीड्स, और बोल देते हैं कि लिली के सीड्स हैं। सो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप प्लीज़ उनके ऊपर ट्रस्ट मत करिए। तो ये होता है इसके लिली के सीड्स, और ऐसे ये प्रोपोगेट करते हैं। तो बिल्कुल मैं अलग से इसके प्रोपोगेशन के ऊपर बात करूँगा और अलग से आप सभी को बताऊँगा कि इसको कैसे प्रोपोगेट करते हैं। सो बस यही वीडियो मेरी नेक्स्ट आएगी, तो आप सभी तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियो मिल जाए। तो गाइज़, ये देखिए, मैं आपको कुछ अलग कुछ यूनिक सा कुछ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं नर्सरी से ये प्लांट लाया हूँ, मुझे इस प्लांट के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा नया है मेरे लिए, और हमारे यहाँ ये प्लांट नहीं मिलता है कभी भी, बस पहली बार ही मुझे ये प्लांट मिला है, पता नहीं कौन सा प्लांट है। और इसके फ्लावर इतने ज़्यादा ब्राइट और बहुत डेलिकेट से बहुत क्यूट लगते हैं मुझे, पता नहीं कौन सा प्लांट है, आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताएगा। और आपको ये वाली वीडियो चाहिए, इसके सीड्स को कैसे ग्रो करते या फिर इसके इसके रूट्स को कैसे ग्रो करते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सो बस गाइस, इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।